हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शोमी और सोमीज किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे ब्रेकफास्ट की रेसिपी। आप चाहे इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या फिर आप इसे एज अ इवनिंग स्नैक्स में भी आप इसे ले सकते हैं, बहुत सबको पसंद आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल की कचौड़ी की रेसिपी, वो भी बिना पीसे। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को मैं कैसे बनाती हूँ, खस्ता कचौड़ी। तो मूंग दाल की कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैं ली हूँ मूंग दाल। तो ये मैं छोटे दाने वाले मूंग दाल ली हूँ, बहुत जल्दी ये बॉयल भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे इसका टेस्ट भी आता है। तो इसे अच्छे से पहले वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे मैं हाफ कप मूंग दाल ली थी, तो मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ। यहाँ एक कढ़ाई ले ली हूँ और कढ़ाई में मैं मूंग दाल जो है वो डाल दे रही हूँ। और इसमें मैं लगभग एक कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें इसे ज़्यादा नहीं उबालना है। अब इसमें स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ। अब इसे ढक दे रही हूँ और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे बॉईल कर लेना है। तो इसे 5 मिनट तक कुक करना है, 5 मिनट बाद मैं दिखाती हूँ। जब तक वो बॉईल हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं एक मसाले प्रिपेयर कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं धनिया और सौंफ ली हूँ, तो यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये दोनों मिक्स हैं, तो ये ले धनिया ली हूँ मैं 1 टेबल स्पून और सौंफ भी ली हूँ मैं 1 टेबल स्पून। तो दाल की क्वांटिटी के हिसाब से आप यहाँ पे मसाले लीजिएगा। 2 यहाँ पे मैं सूखी मिर्च ले रही हूँ और साथ ही यहाँ पे लगभग 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं जीरा भी ले रही हूँ। तो अब इसे एक मिक्सर जार में मैं इसे रख ले रही हूँ। तो अब इसका एक दरदरा पाउडर बना लेना है। तो देख सकते हैं दरदरा सा यहाँ पे मैं पाउडर बना ली हूँ। तो अब मैं यहाँ पे दाल चेक कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं दाल बिल्कुल पक चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ और देख सकते हैं पानी भी नहीं है बिल्कुल दाल में और ये सॉफ्ट हो गए हैं इसे मैश करने से, बट दाल जो है वो खड़े ही हैं। तो इसे हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इसी तरीके से ये मैश भी हो जाएंगे और थोड़े से खड़े खड़े भी रहेंगे दाल, तो अच्छा लगता है टेस्ट ऐसा। तो इसे मैं मिक्स कर ले रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे एक दूसरे बर्तन में मैं निकाल ले रही हूँ। तो इसे मैं इस प्लेट में रख ली हूँ। फिर से मैं कढ़ाई पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। तो ये रेसिपी सरसों तेल में ही बना रही हूँ। तो लगभग 1 टेबल स्पून सरसों का तेल ली हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और ये मैं जो मसाले जो दरदरा पीसी थी वो मैं इसमें डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं हींग डाली हूँ 1/2 छोटी चम्मच। तो अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाली हूँ 1/2 टीस्पून। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप दे सकते हैं, बट इस मसाले में ज़्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता है। तो मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो अब मैं इसमें बॉईल किया हुआ दाल में डाल दे रही हूँ। तो इसे भी अच्छे से मिला लेना है। और ये ध्यान में रखिएगा कि गैस का फ्लेम लो रख के ही इसे भुनना है। तो इसे लगभग लो फ्लेम पे 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। तो अब मैं इसमें चीनी डाल दी हूँ 1 छोटी चम्मच। तो इसमें चीनी डालना ज़रूरी है क्योंकि इस मसाले में थोड़ा सा मीठापन रहता है। तो इसी में मैं 1 छोटी चम्मच यहाँ पे चीनी डाली हूँ और स्वाद अनुसार फिर से थोड़ा सा मैं नमक डाल दी हूँ। तो ये ध्यान में रखिएगा कि दाल में पहले से मैं नमक डाली थी और फिर से मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ और आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अच्छे से इस तरीके से मैं मिक्स कर ली हूँ और ये दाल जो है मसालों के साथ अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ दूसरे प्लेट में। तो इस देख सकते हैं मैं उसी प्लेट में मैं दाल निकाल ली हूँ। यहाँ पे मैं मैदा ली हूँ 1 कटोरी मैदा और यहाँ पे नमक डाल रही हूँ
और यहाँ पे 3 छोटी चम्मच यहाँ पे मैं राइस ब्रेन ऑयल डाल रही हूँ मोइन के लिए। तो लगभग यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैं तेल ली हूँ। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए इसे मिक्स करना है ताकि अच्छे से मोइन इसमें लग जाए। आप चाहें तो दोनों हाथों से रगड़ के भी आप अच्छे से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये मुट्ठी बन रहा है और हल्का सा इसे टच करने से ये टूट जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से मोइन इसमें मिक्स हो गया है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक लगभग सॉफ्ट सा इसका डो तैयार कर लेना है। तो अच्छे से मैं इसे गूंथ ले रही हूँ। तो सॉफ्ट सा डो लगभग बिल्कुल बनकर रेडी है। तब इसे ढक के मैं रख दे रही हूँ आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे जो मिक्सचर बनाई थी ये भी ठंडा हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लेने हैं, आपको जितना फिलिंग करना हो उस हिसाब से। तो एक एक करके सारे बॉल्स में बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे बॉल्स बना ली हूँ और इतना स्टफिंग में रख दे रही हूँ। आप इस स्टफिंग को 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब मैं ये डो चेक कर लेती हूँ। तो फिर से थोड़ा सा मैं इसे गूंथ ले रही हूँ अच्छे से। तो इसे मैं गूंथ ली हूँ। तो अब इसके पेड़े बना लेने हैं। तो आप जितना बड़ा पेड़ा बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से। तो कचौड़ी तो थोड़ा छोटी साइज़ की होती है, आप चाहे तो मिनी कचौड़ी भी बना सकते हैं और भी छोटी कचौड़ी। तो एक एक करके मैं सारे इस तरीके से मैं पेड़े बना ले रही हूँ। सारे पेड़े मैं बना ली हूँ। तो यहाँ पे से एक मैं पेड़ा ले रही हूँ और देख सकते हैं एक कटोरी का मैं शेप इसमें बना रही हूँ, बना ली हूँ कटोरी जैसा शेप। और जो मैं स्टफिंग बनाई थी तो वो स्टफिंग इसके अंदर भर दी हूँ और अच्छे से इसे क्लोज कर देना है। तो बस इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से दबाना है। तो दबा ली हूँ और दोनों हथेलियों की ये इस पोर्शन से इसे बीच में इस तरीके से हल्का सा दबाना है। तो बीच में हल्का सा डिवाइड जैसा बन जाएगा। तो और एक मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, बस हल्के हाथों से ही इसे प्रेस करना है। तो इस तरीके से इसका इसे भी क्लोज कर दे रही हूँ अच्छे से। तो पहले अच्छे से फ्लैट करके फिर इसे मिडिल में थोड़ा सा इसे प्रेस करना है। तो सारे कचौड़ियों में मैं स्टफिंग भर ली हूँ। तो यहाँ पे मैं राइस ब्रेन ऑयल ली हूँ, आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। और एक एक करके कचौड़ियाँ मैं तल ली हूँ और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहना चाहिए और तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन ये अंदर से नहीं पकेंगे। तो इसे एकदम धीम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाना है। तो इसी तरीके से मैं उलट पुलट के इसे फ्राई कर ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल भी छिड़कते रहना है। तो देख सकते हैं ये कचौड़ियाँ फ्राई हो गए हैं। तो लगभग 3 मिनट्स लग जाते हैं फ्राई करने में। तो बाकी कचौड़ियाँ भी मैं इस तरीके से फ्राई कर ले रही हूँ और ये बहुत अच्छे से फूले भी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म फूले फूले खस्ता कचौड़ी बनकर रेडी है। तो देख सकते हैं ना, यहाँ पे दाल भिगोने की भी आपको घंटों में भर बैठ के दाल भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना भिगोए भी मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसे सब्जी ये सॉस के साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।